ठाकुर तुम पे है अरदास, तुम ठाकुर तुम पे है अरदास, तुम ठाकुर तुम पे है कने रे।
Oh,
पे है अरदास। तुम ते हो ए, सो
जगत मित तुम ही मित तुम ही जानी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तू ठाकुर
तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी लास। अरदास बेंती प्रेयर फरियाद कब निकलती है प्यार से, बोलिया धन गुरु नानक। इस पॉइंट को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जब तक मुझे पता है कि मेरी समर्थता है कि ये काम मैं कर लूँगा, मेरे बस में है, मैं अरदास क्यों करूँगा। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक, सोचने वाली बात है, बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। जब तक मुझे पता है कि मैं जिस काम को करने जा रहा हूँ मेरे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आई मैं सॉल्व कर लूँगा, तो अरदास क्यों करूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। जोदड़ी बेनती अरदास इंसान तब करता है जब उसे लगता है कि अब मेरा बस नहीं चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेरे हाथ में नहीं। दास ने पहले दिन भी ये पॉइंट बताया था, द्रौपदी जब उसका वस्त्र हरण हो रहा है तो वो अरदास नहीं कर रही कृष्ण जी से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मेरे इतने ताकतवर पांच मेरे पति हैं, इतने रिश्तेदार मेरे बैठे हैं, वो बचा लेंगे। जब सबको पुकार के थक गई कोई ना आया, तब कहा हे गोविंद प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और गोविंद ने आके रक्षा की। सबको ये घटना पता है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट निकलता है, थोड़ा ध्यान से कभी विचार किया कीजिए, हर पॉइंट को लेकर ना विचार किया कीजिए बैठ के, हर पहलू में बहुत गहराई होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इसलिए तो कहते हैं धन बाबा नंद सिंह जी, सारे बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी। हर पहलू पर इतनी बारीकी से विचार किया है उन्होंने, और इतना बारीक ज्ञान दिया है कि केवल कोई ब्रह्म ज्ञान ही दे सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि ये काम हमसे हो जाएगा उसकी अरदास नहीं करते, जो काम नहीं होने वाला उसके लिए अरदास करते हैं। बाबा नंद सिंह जी के वचन, सिख हर काम से पहले अरदास कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गहराई पकड़ना। हर काम गुरु से पूछ के क्यों नहीं करते अरदास करके, क्या होगा इससे, मुश्किल समय आएगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बात को पकड़ना थोड़ा ध्यान से, समझो आपको पता भी है वो काम हो जाएगा, जरूरी नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर घर से अरदास करके चले, गुरु साहब जी से आज्ञा लेके चले, दास महापुरुषों के साथ रहे, बाबा नंद सिंह जी के समय से ये मर्यादा चलती आ रही है। जो भी महापुरुष हुए हर काम करने से पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से हुक्मनामा लेके आज्ञा लेके जाते हैं। हर काम समझो एक समागम दे दिया है, एक डेट दे दी है, वहाँ पर समागम है, ठीक है। दास ने अपनी आंखों से देखा है साथ में रह के कि गुरु पर कितना विश्वास कितना भरोसा है। अरदास कर दी पाचा, सारी गाड़ियाँ तैयार खड़ी हैं, संगत लेने के लिए खड़ी है, वहाँ प्रोग्राम के लिए वेट कर रहे हैं, फिर भी अरदास करते हुक्मनामा लेते हैं, अरदास करके पाचा आज्ञा हो तो जाऊँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और हुक्मनामा लेते हैं। और अगर हुक्मनामा आया कि नहीं जाना है, तो चाहे कितना नुकसान हो जाए, चाहे कितना नाम खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और आज्ञा का हुक्म हुआ तो चाहे कितनी भी रुकावटें हों जरूर जाते हैं, विश्वास गुरु पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि गुरु ने अगर हुक्म दे दिया जाने के लिए तो वही संभालेगा, और अगर गुरु ने रोक दिया, अपनी अगर समर्थता है भी कि कुछ नहीं होगा संभाल लेंगे, तो तकलीफ हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दास हैरान हुआ जानकर, एक बार कहीं पर प्रोग्राम था, दास भी साथ में था, 20-25 गाड़ियाँ खड़ी हैं लाइन से जाने के लिए, सब तैयार खड़े हैं, वो प्रोग्राम वाले भी तैयार खड़े हैं जहाँ प्रोग्राम है, कहीं पर बहुत तैयारी है प्रोग्राम की। महापुरुषों ने हुक्मनामा लिया, हुक्मनामा आ गया नहीं जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पूरे रेडी होके बैठे हैं, हुक्मनामा लिया, स्नान करके, कैसे स्नान करके जाने के लिए, जब गुरु साहब जी ने मना कर दिया, बाहर आके कहते मैं नहीं जाऊँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो जो लेने आए वो मिन्नतें करने लगे, महापुरुषों संगत वेट कर रही है आपके, ऐसे कैसे कर सकते हो आप। कहने लगे इसे ले जाओ, मुझे मेरी तरफ इशारा किया, इसे ले जाओ, ये कीर्तन कर लेगा, मुझे हुक्म नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे संगत आपके लिए बैठी है, इसे कोई नहीं जानता, ये कौन है, आपको चलना पड़ेगा। वो झगड़ा करने लगे, महापुरुष कहने लगे झगड़ा कर लो, चाहे मुझे गालियाँ दे दो, मेरे गुरु ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन मार के मुझे ले गए,
और साथ संगत जी मैं देखकर हैरान हो गया कि गुरु ने क्यों रोका था उन्हें। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। वो समागम नहीं था, देखो कैसे कैसी दुनिया है। कुछ लोग जो इनके विरोधी थे महापुरुषों के, उन्होंने समागम रचा था कि यहाँ पे बुलाएंगे और उनको पीटेंगे। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। बेइज्जती करेंगे संगत में, पूरी तैयारी थी, हथियार लेकर लोग बैठे थे, सब कुछ तैयारी थी। अगर महापुरुष वहाँ चले जाते, अगर बात मान के, देखो हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। तब मुझे समझ में आया कि बाबा नंद सिंह जी की मर्यादा कितनी महत्वपूर्ण है। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो गुरु से पूछ कर चलते हैं, हमारी क्या तकलीफ है, गुरु से तब पूछते जब हमारा बस नहीं चलता, तब गुरु को पुकारते। बाबा नंद सिंह जी कहते थे अगर तू पहले ही अरदास कर दे हर काम के लिए, गुरु सहाय होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल समय ही नहीं आता अगर आज्ञा लेके चाहो। कहते थे समझो डॉक्टर के पास ही जा रहे, अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर की दवाई हर एक की नहीं लगती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु को अरदास करके जा रहे, पाछा आज्ञा दीजिए जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, कृपा करना उसकी दवाई लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जरूर लगेगी क्योंकि गुरु को साथ में ले लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिजनेस डील करने जा रहे हो गुरु से आज्ञा लेके, ये तो मैं क्या बात बताऊँ। महापुरुष तो जिनका जीवन ऊंचा है ना, घर से बाहर काम पे जाते वक्त रोज आज्ञा लेके जाते हैं। एक छोटी सी अरदास करनी थी, पाचा काम पे जा रहा हूँ कृपा करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या है, गुरु को साथ में रख लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल समय आता ही नहीं है, आने से पहले ही गुरु काट देता है। काम होने से पहले, हमारे पहुँचने से पहले गुरु ने वो काम करके रखा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज का शब्द है अरदास, अरदास की महत्वता, अरदास की महानता। जब कहीं पर कोई जोर नहीं चलता ना सत्संग, वहां पर अंतिम में काम आती है अरदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास वो ताकत है जो गुरु प्रसाद बता देती है। दास ने पहले दिन भी ये पॉइंट कहा था, महापुरुषों के वचन, ये अमृत ले उठना, ये नित्यनेम करना, नेक काम करने, यहाँ पे भक्ति करनी, नाम जपना, ये क्या है, ये पढ़ाई हो रही है कि वो अरदास करनी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जिस दिन वो अरदास करनी आ गई, गुरु ने सुन ली, बात बन जाएगी। वो अरदास हृदय में से निकलती कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पढ़ाई हो रही है ना हमारी रोज, प्रेम बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी। क्योंकि अरदास में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा बार बार दास ने कहा कि इम्पोर्टेंस है। गुरु नानक पाशा के वचन लिखे हुए, जिस अरदास में विनम्रता और जिस अरदास में भरोसा हो, गुरु को वो अरदास पूरी करनी ही पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये विनम्रता भरोसा कमा रहे हैं यहाँ बैठकर, रोज 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 हैमरिंग होगी, ये विनम्रता आएगी, रोज गुरु कृपा करेगा, भरोसे के दान बख्शेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, विश्वास कायम हो जाएगा। एक बड़ी प्यारी घटना है, बहुत ही प्यारी घटना, जो कल भी दास ने नाम लिया था, मक्खन शाह लुभाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बहुत ही प्यारी घटना और उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। उस घटना को आज श्रवण करते हैं, आइए दो पंक्तियां पढ़ लें। तू ठाकुर तुम पे अरदास, पह अरदास।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसका नाम इतिहास में है मक्खन शाह लुभाणा, इतिहास में लिखा है बहुत ही धनवान हुआ है और गुरु नानक पाशा से सिक्की का दान लिया है। इसके पूर्वजों ने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इसके पूर्वज एक राजा थे बहुत बड़े, उन पर कृपा की गुरु नानक पाशा ने, उनके खानदान में से हुआ ये मक्खन शाह लुभाणा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये लुभाणा समाज आप देखते हैं ना, ये जो ये सब खड़े हैं गुरुसेव जी की सेवा में तत्पर, ये लुभाणा समाजी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ से गुरुसेव जी आते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे शक्ति का केंद्र, सारा जो गुरु अर्जन देव जी महाराज का गुरुद्वारा है लुभाणों का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस समाज पर ना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की विशेष कृपा है। साथ संगत जी, आपको इनमें से कोई भी पतित सिख दिखाई नहीं देगा कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सिख के असूलों के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं हमेशा, तत्पर हमेशा, बहुत बड़ी बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मक्खन शाह लुभाणा बहुत बड़ा सौदागर है। इसका काम है कि बड़ा जहाज होता है ना, बहुत बड़ा जहाज, जैसे आजकल बड़ी बड़ी शिप्स होते हैं जिसमें कंटेनर्स आते हैं, पुराने ज़माने जितने बड़े जहाज होते थे लकड़ी के बने हुए होते थे, आधुनिक तो होते नहीं थे, मोटर वगैरह होते नहीं थे, बहुत सारे लोग होते थे उसको चप्पू मारने वाले, और साथ में एक होता था जो चलाता था, मेन होता, जैसे आज कैप्टन होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसके डायरेक्शन से चलते थे। इतिहास में लिखा है ये इतना अमीर था कि 500 सैनिक इसके साथ हमेशा रहते थे, राइफल तीर कमान तलवारों के साथ पूरी सेना थी 500 की जो इसके साथ रहती थी हमेशा, क्योंकि बहुत धनवान था और सामान भी बहुत ज़्यादा होता था जो बेचने के लिए व्यापार करने दूसरे देशों में जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जा रहे हैं समंदर में तूफान आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तूफान भी ऐसा कि जिसे कहते चक्रवर्ती तूफान, कि सबको लग रहा है कि अभी डूबे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका जहाज, पानी का जहाज तूफान में फंस गया। बहुत कोशिश करने के बाद जब जो चलाने वाले थे जहाज आकर कहने लगे अब नहीं बचेंगे, कोई रास्ता नहीं है, अभी पलटा कि अभी पलटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाव चलाने वाले जो नाविक होते हैं, जो मेन था, वो आके कहने लगा अब मेरे बस में नहीं है, अब तो मरे सारे के सारे। ध्यान से श्रवण करना इस घटना को। तो मक्खन शाह लुभाणा क्या कहते हैं, एक नाविक है जो इसे पार लगा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के कौन है बुलाइए, हम में से कौन है, हम सब ने तो हाथ जोड़ दिए, मैं ही तो हूँ मुखी जो नाव चला रहा हूँ। कहने की नहीं, तेरी बात नहीं कर रहा, तुम्हें जो करना है करो, मैं उस नाविक को अरदास करने जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखा है इस मुश्किल की घड़ी में कि नाव पूरा जहाज डूबने वाला है पानी में, ये चौंकड़ी मारकर बैठ गया और इसने सुरत जोड़ ली गुरु नानक पाशा के चरणों से और एक श्री जपजी साहिब जी का पाठ शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी बड़ी ध्यान से समझना पॉइंट को, इतने मुश्किल समय आदमी चिल्लाता है, भागता है, दौड़ता है कि बचाओ कुछ करो, पर ये इसने क्या किया, शांति से एकाग्रचित मन से श्री जपजी साहिब जी का पाठ करना शुरू कर दिया गुरु नानक का नाम लेके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे कि जब मुश्किल समय आए चिल्लाने भागने दौड़ने से कुछ नहीं होने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल समय को काटना है तो उसी वक्त बैठ जाओ, मन एकाग्रचित करके गुरु के चरणों से ध्यान जोड़ लो। पर यहाँ पे पॉइंट ये है कि ध्यान किसका जुड़ गया ऐसे मुश्किल समय में, जिसका रोज का नियम होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अचानक नहीं होता, जो रोज अमृत लो उठ के नाम जपते हैं, जब मुसीबत का समय आता है उनका मन एकाग्र हो जाता है, क्योंकि रोज का अभ्यास है, विश्वास है गुरु पे,
मक्खन शाह लुभाने कहते मैं अपने नाविक को बुलाता हूँ मेरा गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो इस जहाज़ को समुंदर इस तूफान में से पार लगा देगा। और श्री जपजी साहब जी का मन इतने एकाग्रचित होकर इसने किया और फिर अरदास की कि पाछा बचा लो डूब रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। और अरदास कहाँ पहुँची, उस वक्त मौजूदा जो गुरु थे जो छिपके बैठे थे 26 सालों से बोरे में, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, प्यार से बोले धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी। और गुरु तेग बहादुर साहब जी के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज ने क्या वचन लिखे हैं, तेग बहादुर सिमरी है करे नौ निदावे सब थाई होए, सब थाई कोई भी जगह हो गुरु तेग बहादुर शिव जी को कोई याद करे वो सहायता करने आते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए थोड़ा गा लेते हैं, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरी सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। याद किया गुरु नानक को, गुरु तेग बहादुर साहब जी नौवीं गद्दी के मालिक भोरे साहब में विराजमान है। अचानक ऐसे लगा सबको जैसे कोई नाव को खींच कर लेके जा रहा है जहाज को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भरे तूफान में जहाज पलटी होने वाला है, कोई शक्ति उसे खींच कर लेके जा रही है और ले जाकर समुंदर के किनारे में खड़ा कर दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इतिहास में लिखा है ये किनारा आया है सूरत में, सूरत के पास जो ये समुंदर का किनारा है ये वहाँ की घटना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहाँ पर लुभाना समाज बहुत सारा विकसित है, वहाँ पर काफ़ी बड़ा लुभाना समाज रहता है सूरत में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहाँ पर उतरा, सब ने शुक्राना किया, सब हैरान कि कौन सी शक्ति थी जिसने पार लगा दिया, ऐसे लगा जैसे कोई खींच के लेके जा रहा है क्योंकि चप्पू भी नहीं मारा जा रहा है अब, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समुंदर में से जब इतना बड़ा जहाज किनारे पे लग गया, इसे विश्वास है गुरु नानक ने किनारे पे लगाया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसी ने पता किया कि गुरु साहब जी कहाँ पर हैं इस वक्त, तो पता चला आठवें गुरु नानक गुरु हरकृष्ण साहब जी दिल्ली में हैं। ये सत्संग जी उसी वक्त अपने परिवार को साथ लिया, अपनी सेना साथ में ली, अपना लाभ लश्कर लिया, दिल्ली की तरफ चल पड़ा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पॉइंट पे ज्ञान है सत्संग जी, ध्यान से लेना। सबसे पहला पॉइंट ज्ञान का क्या था, चित जोड़ कर जपजी साहब जी का पाठ मुश्किल समय में वही कर सकता है जिसका रोज का अभ्यास हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो हमारे जैसे लोग तो चिल्लाते ही रहेंगे कि बचाओ बचाओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब दिल्ली की तरफ चल पड़ा, वहाँ गया तो पता चला गुरु हरकृष्ण साहब जी तो शरीर त्याग चुके हैं आठवें गुरु नानक। मन उदास हो गया क्योंकि इसने ना सुख ना सुखी थी अरदास की ना, एक तो जपजी साहब जी का पाठ किया
फिर अरदास की कि हे पातशाह, आप जहाँ भी होंगे, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, 500 सोने के अशरफी इलाके में भेटा में भी रखूँगा। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक, मेरे डूबते जहाज को पार लगा दे। तो इसके मन में था कि मैंने सुखना सुख लिया है। सुखना सुखता है ना आदमी मुश्किल में, जब समय आता है मुश्किल तो कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर समय निकल जाता है तो गुरु अपने घर, हम अपने घर। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। दास ने बहुत बार वो घटना सुनाई है, एक खजूर के पेड़ पर चढ़ गया, ऊपर चढ़ तो गया, चढ़ता गया, जब वो टॉप में चढ़ा तो नीचे दिखा इतना गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक, हड्डियाँ टूट जाएंगी, हे भगवान मैं सही सलामत नीचे उतर जाऊँ, 100 नारियल चढ़ाऊँगा। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा थोड़ा करके नीचे उतरा, जब 70% हुआ, कहने लगा हे भगवान मैं सही सलामत नीचे उतर जाऊँ, 70 नारियल चढ़ाऊँगा। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। जितना जितना नीचे आता गया नारियल कम होते गए, और आखिर में नीचे उतर के कहने लगा रहने तू, मैं तकलीफ मत कर, मैं खुद ही उतर जाता हूँ। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये हमारी हालत है मुश्किल समय में, जो बोलो भाई साहब, आप जो नित्य बोलो हम करने को तैयार हैं, अभी हमारा मुश्किल समय ये काम हो जाए बस। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। और वो काम हो गया, अब कहाँ हूँ भाई, आते नहीं अमृत वेले, वो काम बहुत ज़्यादा है। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। थकावट हो जाती है। एक बार महापुरुषों ने किसी से पूछा, भाई क्या बात है आता नहीं अमृत वेले? कहने लगा एक दुकान थी, अब चार हो गई है, हाथ पकड़ लिया, कहने लगे चल गुरुसाहब जी कमरे में। वो खुश हो गया, पता नहीं मेरे लिए अरदास करने जा रहे हैं। कहने लगे तेरे लिए अरदास करनी है, गुरुसाहब जी के सामने खड़े हो गए, वो इसकी 3 दुकानें बंद हो जाएं। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कहने लगे ये क्या करने जा रहे हो, 104 मेहनत करके किए। कहने लगे जिसने दी है उसी को भूल गया है, ये चौथी भी नहीं रहेगी। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसे दुकानें बढ़े उतना नितनेम बढ़ जाता है तेरा, पहले 3 बजे आता था, तुझे 2 बजे आना चाहिए था, तू उल्टा कर रहा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मक्खन शालू बना, जब मन उदास हो गया तो पूछने लगा कि कुछ गुरु साहब जी अभी जो 9वें गुरु नानक है वो कहाँ पर है? कहने कि किसी को नहीं पता कहाँ पर है, छिपे हुए हैं। पर गुरु हरकृष्ण साहब जी के आखिरी वचन थे कि बाबा बकाले। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, कि जो 9वें गुरु नानक के बकाले में है। और ये बात फैल गई कि गुरु नानक पातशाह की 9वीं जोत बकाले में है। इस चक्कर में जब वो वहाँ पहुँचा, वहाँ से बकाले गया, इतनी दूर, पहले सूरत से दिल्ली, दिल्ली से बकाले पूरे लाव लश्कर के साथ, कि मैंने अरदास की सुखना सुखी 500 सोने के मोरे चढ़ाऊँगा और शुक्राना करूँगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ गया तो क्या देखता है सत्संगत जी, बड़ी ध्यान से इस पॉइंट को समझना, कि 22 लोग गुरु बन के बैठे हैं, कि हम ही बाबा हैं जिसके बारे में गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कहा है। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। 22 मंजियाँ लगी हुई हैं, 22 लोगों ने अपने डेरे बना लिए, कि हम ही हैं वो गुरु जिनके बारे में गुरु हरकृष्ण साहब जी कह गए कि 9वें गुरु नानक हैं। हर आदमी ने अपने चेले चकारे रखे हुए, गुरु बन के बैठा है समाधि लगा के, और काम है लूटने का। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितना प्यारा पहलू है, 22 मंजिया लग गई, गुरु तो एक है, 22 लोग बैठे हैं अलग अलग, और सब कह रहे हैं कि मेरा गुरु बड़ा है, लोग छोड़े हुए हैं। जैसे कोई पता चला इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा अमीर आया है, बड़ा दान देगा, चेले चकारे पीछे लग गए, हमारे यहाँ हमारा गुरु बड़ा है वो झूठा है। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे के पास गए, हमारा गुरु बड़ा है वो झूठा है। जी परेशान हो गया, क्या करूँ मैं। फिर मन में इसने एक ख्याल आया कि मेरा गुरु पूरा है जिसने जहाज किनारे पर लगाया है, मैं हर एक के आगे 5-5 सोने के मोहरे रख देता हूँ और माथा टेकता हूँ, जो पूरा होगा अपने बाकी का खुद ही मांग लेगा। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि अंतर्जामी अगर मेरी अरदास सुनी है तो मेरी भावना भी जानता है। तो उसने यही करना शुरू किया, एक एक के आगे 5-5 मोहरे रखी, सबने बड़ी आव भगत की सोने की अशरफ किया, 5 मोहरे बहुत होती है, सबने बहुत इसका सत्कार किया, बहुत प्यार दिया कि, और सब चेले चकारे कहने कि हमारा गुरु सबसे बड़ा है, बाकी वो झूठे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर एक पॉइंट आता है, बहुत ज़रूरी पॉइंट, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिस वजह से धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुगद्दी सौंपी थी, ये पॉइंट था वहाँ पर, यह टर्निंग पॉइंट था। कह लेके अभी दुनिया ऐसी हो गई है कि हर आदमी गुरु बन के बैठ जाएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, भटक जाएंगे लोग। इसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कह दिया कि हमारे बाद अब कोई भी देहधारी गुरु हम नहीं बनाएंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, अब ऐसा गुरु देकर जाएंगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिनका जन्मदिन तो मनाओगे, मरण दिन कभी नहीं मनाओगे।
दशा पाशय दे स्वरूप जागदी ज्योत हाजरा हजूर जाहरा हजूर सर्व कला समर्थ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। ये भटकने की जरूरत नहीं, संगत करो संतों महापुरुषों की संगत करो, जहाँ से ज्ञान मिले ले लो, चरण धूड़ी लगाओ। सच है पूजनीय है जो दुनिया को जोड़ते हैं, पर गुरु जिसका मरण दिन नहीं मनाएंगे। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। मक्खन शालू बाना पांच पांच मोरे रखता गया, सब ने सत्कार दिया, 22 मंजू को माथा टेक दिया और उदास होके बैठा हुआ है। पता समझ गया कि सब अधूरे हैं, कोई भी पूरा नहीं है, सब झूठे बैठे हैं। दुनिया आ रहे हैं, इन्हें माथा टेक रही है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा पूरा कौन है। अब देखिए बड़े ध्यान से, गुरु धन का भूखा नहीं, गुरु श्रद्धा का भूखा नहीं, गुरु किस चीज़ का भूखा है? प्रेम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब फिर मक्खन शाह लुभाने ने अरदास की। अभी देखिए उसने सुखना सुखी 500 मोरे दूंगा, अगर गुरु को 500 मोरे की जरूरत है तो खुद ही रास्ता बता देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ना उसकी चलाकी चली ना उसका धन चला, उसने फिर से अरदास की। हे गुरु नानक नौवीं ज्योत, मैं नहीं जानता आप कौन हो कहाँ, आपने तर्स करके जहाज किनारे पर लगाया, तर्स करो मैं इधर आ गया हूँ बाबा बकाली, गुरु हरकृष्ण साहब जी के वचन मानकर अभी अपने आप से आप ही मिलाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर खड़े होकर अरदास की, बाबा आनंद सिंह जी के वचन गुरु को मिलाएगी तो केवल अरदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कहे मैं करोड़ों दान कर दूँ गुरु मिल जाएगा, नहीं गुरु तो गुरु ने तो तुझे दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने दान इसलिए करना है, सेवा इसलिए करनी कि हमारा धन सफल हो जाए, गुरु को कोई लेना देना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु का हुक्म है दसवंध निकालना, नहीं तो बाकी 90% जहर हो जाएगा, इसलिए निकालना है। बाकी गुरु को जरूरत नहीं है। गुरु क्या कहते हैं? गरीब की गुरु का मुख गुरु की गोलक, किसी गरीब को दे दे, किसी जरूरतमंद को दे दे, गुरु को थोड़ा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जब उसने मन जोड़कर अरदास की, रास्ता खुल गया, कोई आया पास में आके बैठ गया, कहने के उदास क्यों, सारी घटना सुनाई कि मैंने सुखना सुखी थी, अब सारे अधूरे बैठे हैं, वापस जाना पड़ेगा, मन उदास है कि गुरु के दर्शन नहीं कर पाया, अपनी सुखना पूरी नहीं कर पाया मैं जो मैंने प्रॉमिस किया है। तो कहने लगे और कोई है यहाँ पे? तो कहने लगा एक और है जो छिप के रहता है भोरे में, 26 सालों से भोरे में, कभी कभार बाहर दिखाई देते, बाहर निकलते भी हैं तो किसी से बात नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसको तेगा तेगा करके बुलाते हैं, धन श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी। धन श्री गुरु तेग बहादुर से छिपे हुए, दुनिया ढूंढ रही है उन्हें कि कहाँ है गुरु, नौवे गुरु नानक। किसी को नहीं पता गुरु हरकृष्ण साहेब जी के बाद संगत रोती थी कि नौवे गुरु नानक कहाँ पर है, पता ही नहीं किसी को। ये बुझे हुए मन से वहाँ भी चल पड़ा कि एक आखिर बच्चे हैं, देख लेते हैं कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहुँचा तो इसके साथ लाव लश्कर बहुत था, साथ संगत 500 लोग और कई कुछ नौकर चाकर ये वो सेना, तो शोर मचा हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने माता जी से पूछा, उनके घर वाली से, कि बाहर शोर क्यों मचा हुआ है? 26 साल तक गुरु तेग बहादुर साहब जी भोरे में और माता जी बाहर दरवाजे के बाहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना तप किया है गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, तब जाके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने वचनों में लिखा हुआ है, अपनी वाणी में, दसम ग्रंथ की वाणी में, कि माता पिता ने इतना तप किया कि निरंकार ने हमें भेजा वहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे थोड़ा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसे पुत्र मिल जाएंगे। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। हाँ ये दो पंक्तियाँ पढ़ लें। तुम मात पिता हम बालक तेरे, मात पिता
कने रे से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मक्खन शाह लुभाना जब अपने लाल लश्कर के साथ पहुंचा, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पूछा माता जी से कि इतना शोर क्यों मचा हुआ है। कहने के कोई मक्खन शाह लुभाना आया है, उसके साथ लाल लश्कर सेना बहुत सारी है, आपके दर्शन करना चाहता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने वचन किए कि उसे दर्शन नहीं देने, उसे तो दर्शन करने कैसे आते हैं वो भी नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसका मतलब समझना, इतना लाभ लश्कर लेकर दिखावा करके जब हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु दर्शन नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो अहंकार से जाते हैं गुरु के पास, गुरु दर्शन नहीं देता। जो विनम्रता से जाता है उसे दर्शन देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो बार बार ये वचन आते हैं, मस्कीन जी यानी संत सिंह जी मस्कीन जी ये वचन किया करते थे कि जब गुरु के पास आते हो, अपना ओहदा, अपनी विद्या, अपना सब कुछ बाहर छोड़कर आओ। बड़े पॉलिटिशियन हो मुबारक हो बाहर, बड़े बिजनेसमैन हो अमीर हो मुबारक हो, पर बाहर जहाँ चप्पल उतारते हो वहीं पर ये ओहदा उतार के आओ, तो गुरु से झोली भरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये ओहदा अंदर ले आए खाली चले जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब ये बात माता ने मक्खन शाह लुभाना से कह के गुरु साहब जी ने ऐसे कहा है तो रो पड़ा, सारे लाल लश्कर को भेज दिया कि चले जाओ यहाँ से दूर, और अकेला बैठा रहा बाहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि मन में थोड़ी भावना जागी कि ये कौन है, बैठ गया। काफ़ी समय बीत गया, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इसे भीतर बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी विनम्रता देखी कि बैठा है अकेला, इतना बड़ा होकर भी झुककर जमीन पर बैठा है बाहर। काफ़ी समय बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी ने तर्स करके अपने पास बुलाया, गया सामने, दर्शन किए, मन को शांति आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लंबा दाढ़ा, आँखें बंद हैं, समाधि में लीन है, दर्शन किए, मन को शांति आ गई, देखता ही रह गया, दर्शन करते ही रह गया, अपने आप को संभाला। अब पांच मोहरे निकाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से पांच मोहरे निकाली और गुरु साहब जी को माथा टेक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे, मखणा ये पांच मोहरे सोने के उठा लिया, हमें जरूरत नहीं, और अगर देनी है तो 500 दो दे जिसका तूने वादा किया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गया, हैरान हो गया कि ये वही गुरु हैं जिन्होंने बार लगाया है। 500 मोर की थैली निकाली, गुरुसाहब जी के आगे रख दी, पर फिर भी मन में थोड़ी सी शंका रह गई, कहीं से पता चल गया इन्हें कि 500 मोरे मैंने सुखना सुखी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी घट घट के अंदर की जान रहे, पढ़ रहे हैं, कहने लगे अब भी शंका कर रहे हैं। और उस वक्त गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कुर्ता हटा के अपना कंधा दिखाया, कहने लगे तेरे जहाज को खींचते वक्त कंधे में जख्म हो गया जो अभी तक नहीं भरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
मक्खन शाली वाणी ने सर चरणों पर रख दिया, फूट फूट कर रोने लगा, पाचा माफ कर दो, बख्श लो, भूल हो गई, मैं पहचान नहीं पाया। तेगबहादुर साहब जी कुछ नहीं बोले। और इसने क्या किया, कोई परमिशन ले ली, कोई आज्ञा नहीं ली, कुछ नहीं लिया। वहाँ एक ढोल पड़ा था बाजू में, उठाया और दौड़ कर छत पे चढ़ गया। हर जय बोलिए धन गुरु नानक, ये घटना मशहूर है। और क्या गाने लगा, गुरु लादो रे गुरु लादो रे, जो गुरु घुमा हुआ था, छिपे हुए थे, आज मैंने ढूंढ लिया है कि पूरा गुरु यहाँ बैठा है छिपकर। हर जय बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि सारी खलकत भटक गई थी कि गुरु हरकिशन साहब जी के पास नौवें गुरु नानक कहाँ पर है। और इसने छत पे चढ़ गया और वहाँ पर ढोल बजा कर गाने लगा। क्या गुरला दो रे गुरला दो रे धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर ना बाबा नंद सिंह जी की घटना याद आ जाती है। ये घटना बाबा नंद सिंह जी संत सुजान सिंह जी से कहते थे फिर से सुना, कल ही पॉइंट निकला था ना, फिर से सुना। संत सुजान सिंह जी सुना रहे हैं, अगले दिन कहते हैं फिर से सुना, वो फिर से सुना रहे सारी घटना यही, फिर कहते हैं सुना। कई दिन तक सुनते रहे, तब बाबा संत सुजान सिंह जी ने बेनती की, पाचा दुनिया कहेगी मुझे और कुछ आता ही नहीं, एक ही चीज सुनाता रहता हूँ, मेरा भी तो सोचो। फिर जय बोलिए धन गुरु नानक। तब बाबा नंद सिंह जी ने वचन किए, ये घटना बार बार सुन के हम ये विचार कर रहे हैं कि कैसे कैसे मन जोड़ कर कैसी अरदास की होगी मक्खन शाली वाणी ने, जो गुरु 26 सालों से बोरे में छिप कर बैठा है, प्रकट नहीं हुआ, उन्हें प्रकट होना पड़ा। फिर जय बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास की ताकत। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से समझना। मक्खन शाह लुभाने की अरदास क्यों सुनी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, मुश्किल में तो बहुत सारे लोग होते हैं। फिर जय बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पॉइंट समझने वाला है। मक्खन शाह लुभाने आए, सबसे पहले उसका नितनेम था, जपजी साहब जी का पाठ अमृत वेले उठ के करता था। फिर जय बोलिए धन गुरु नानक, उसका नितनेम था। जब मुश्किल समय तब मन जोड़ पाया। दूसरा पहलू, जब वो दिल्ली आया तो पता चला गुरु हरकिशन, पहले तो सूरत उतरा, तो हम क्या करते, हम उनके उसके जगह होते, अपने आप को सोचो, हमने सुखना सुखली गुरु कि मेरा एक काम कर दे, मैं तुझे ये इतनी सेवा करूँगा। हम करते ना कई बार मुश्किल समय में, बहुत लोग करते हैं। फिर जय बोलिए धन गुरु नानक। कोई पाठ सुख पाठ की सुखना सुख लेता, कोई किसी चीज़ की, कोई कहता मैं गुरुद्वारा बना दूंगा, कोई कहता मन में ख्याल आ जाता मैं ये कर दूंगा। हम होते तो क्या करते, ठीक है जब जाएंगे तब दे देंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, यही करते हैं ना। समझो किसी ने सुखना सुख लिया, हरमंदिर साहब जाके मैं सेवा करूंगा, पर जब जाऊंगा ना, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इसने सारे काम छोड़कर निकल पड़ा, सिद्ध के देखो अपना गुरु पे, सिद्ध के देखो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, अपने जो अपने आप से जो वादा किया उसे पूरे करने की सिद्ध के देखो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, चल पड़ा। और जब दिल्ली में पता चला कि गुरुसाहब जी शरीर त्याग गए हैं, तब तो हमारे जैसा कोई आदमी होता तो हम क्या करते, अब तो मेरी कोई गलती ही नहीं, गुरु ही नहीं है। फिर जय बोलिए धन गुरु नानक, छोड़ो हमारी की गलती, पर ये नहीं रुका, ढूंढने निकल पड़ा। फिर जय बोलिए धन गुरु नानक। ये जो जज्बा है अपनी, जो मन में ठान लिया वो पूरा करने का, जो गुरु से मैंने प्रॉमिस कर दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है साथ संगत जी। फिर जय बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
बाबा नंद सिंह जी का वचन एक छोटे सा पॉइंट जरूरी है समझ लें। कहते थे कभी भी सुखना नहीं सुखनी चाहिए, ध्यान से समझना। हम सुखना सुख लेते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कहते ना सुखा करो, क्योंकि अगर सुखना सुखी है तो फिर पूरी करनी पड़ती है, करनी ही पड़ती है, नहीं तो नुकसान पे नुकसान होते जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं सुखा करो, और अगर सुख दी है तो पूरी करो, वैसे नहीं सुखनी चाहिए। कहते थे सुखना कौन सुखता है, सुखना वो सुखता है ना कि इमरजेंसी आ गई, पाछा इतनी पाठ करूँगा मेरा काम हो जाए बचा ले। फिर हर जे बोलिए धन गुरु नानक, पाछा इतनी सेवा करूँगा मेरा बचा ले। कहते थे जो अमृत न उठ के रोज नित्यनेम करता है उसे सुखना सुखने सुखनी ही नहीं पड़ती कभी। फिर हर जे बोलिए धन गुरु नानक। जो रोज ही गुरु का नाम जप रहा है उसके ऊपर मुश्किल समय आएगा ही नहीं, तो सुखना कौन सी सुखनी। फिर जे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास, जो दास बन के अरदास करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास जब करो गुरु को, एक बहुत गहरा पॉइंट है यहां पर, जब गुरु से अरदास करें तो अरदास खाली हाथ नहीं करते, इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझना। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब क्या रखें गुरु के आगे, फिर पैसे रख दे, ये एक मर्यादा है। एक बात समझना, एक पॉइंट ध्यान से समझना, मुझे महापुरुष ने समझाया था, कहने लगे एक मर्यादा है, जब गुरु को अरदास करते हैं तो थोड़ा धन जरूर रखते हैं, जितनी समर्थ हो, चाहे 11 रुपये हो, चाहे 51 रुपये हो, चाहे 51,51,000 हो, जो तेरी समर्थ है, ये मर्यादा है, जरूर रखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरु पैसे का भूखा नहीं है, धन का भूखा नहीं है, उससे ऊपर एक मर्यादा है। धन नहीं भी रखा एक बार चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मर्यादा है, इसको पूरा करना चाहिए। पर एक भेटा रख कर जब अरदास करोगे, भेटा रख कर, तो गुरु को वो मंजूर करनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियाँ पढ़ लें, फिर इस पॉइंट पे आते हैं कि कौन सी बेटा रखनी है। और एक बहुत प्यारी घटना है जो अभी अभी की है, महापुरुषों के साथ घटी, बहुत बड़ा ज्ञान देगी, वो श्रवण करते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा मैं सुख कने रे, तुम्हारी कृपा मैं सुख कने रे, कोई न जाने भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, तू ठाकुर
पहले अरदास ठाकुर तुम पहले अरदास। नौवें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी के वचन कि जब कोई सहारा ना बचे, रिश्तेदार जवाब दे जाए, डॉक्टर हॉस्पिटल में हाथ जोड़ दे हम कुछ नहीं कर सकते, कोई साथ ना दे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, ऐसा मुश्किल समय आ जाए। आता है साथ संगत जी, हर एक के लाइफ में आता है। फिर हर जय बोलिए धन गुरु नानक। जब अपने साथ छोड़ जाते हैं, जिनके भरोसे बैठे होते हैं भरोसा तोड़ जाते हैं, फिर हर जय बोलिए धन गुरु नानक। कोई चारा दिखाई नहीं देता, ऐसा मुश्किल समय आ जाता है कि कोई बचा ले। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं अगर तू मन जोड़ के अरदास करनी तुझे आ जाए, अगर तुझे अरदास करनी आती है, उसका तरीका आता है तुझे, तो चमत्कार होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ एक रास्ता नहीं दिखाई देता, 100 रास्ते खुल जाते हैं अगर वो चाहे तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कोविड का समय सबने देखा है, खींच कर घर से ले जाते थे, अकेले रख देते, तो मरने के लिए छोड़ देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कईयों ने कई गवाए अपने, पर गुरु नानक की मेहर देखो, गुरु नानक की अपार मेहर देखो, बाबा नानक सिंह जी की कृपा। जहाँ जहाँ जिन सेंटरों में अमृत वेले होता था, जहाँ जहाँ श्री सुखमनी साहब जी अखंड पाठ चले, जिसे दास ने कहा था कि ये ब्रह्मास्त्र है, कहीं पर भी किसी की मृत्यु नहीं हुई उस वहाँ पर। ये सच्चाई है, आप सबको पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे यहाँ 500-500 सेवादार बाहर, उस समय जब बिल्कुल लोग डर के घर से बाहर नहीं निकलते थे, 500-500 सेवादार बाहर ज़रूरतमंदों को खाना बनाकर बांट रहे थे। सबके आई कार्ड्स बनवाए थे हमने, कमिश्नर से लेकर, हमें परमिशन थी केवल बाहर जाने की। ऐसे मुश्किल समय में कितने 500-500 सेवादार बाहर घूमते थे, ऐसे समय में जब आदमी डर के एक मिनट भी बाहर नहीं निकल रहा था, उस समय किसी को कुछ नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये वडियाई सिवाय गुरबानी के, श्री सुखमनी साहब जी की बानी के किसी की नहीं है, ये वडियाई गुरु नानक की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और मान किया करो सात संगत जी के, हम अमृतला ट्रस्ट से जुड़े हैं, विचार करके पीछे सारी घटना देख लेना, कैसे गुरु नानक कृपा करता है, कैसे गुरु ने कृपा की। जब लॉकडाउन लगा था सात संगत जी, पूरा रिकॉर्ड निकाल के पीछे का देख लेना आप, जब लॉकडाउन लगा था सिर्फ एक दिन या दो दिन हुए थे एकदम स्ट्रिक्टनेस ही बाहर निकलने से, सबसे पहला जिसने स्टेप उठाया था ना जिन्होंने, कि गरीबों को ज़रूरतमंदों जो अटके हुए हैं उनको खाना पहुँचाना है, पहल करनी है, वो अमृतला ट्रस्ट ने की थी। जकारा बुलाओ तो ऐसा कि पता चले। बाद में तो बहुत लोगों ने की महीने दो महीने बाद, पर उस सबसे मुश्किल समय में गुरु नानक ने सबसे बड़ी सेवा अमृतला ट्रस्ट से तभी ली थी जब कोई नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और केवल इस सेंटर से नहीं, हर सेंटर ने, मैं क्योंकि ये ताकत कौन बख्शता है, अमृत वेला है। क्यों ऐसे हुआ, अमृत वेला है, अमृत वेला है, वहाँ पे किसी का डर ही नहीं रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने देखा था हमारी संगत में कोई नहीं डर रहा, लोग डर डर के घर से बाहर नहीं निकल रहे, हमारी संगत में चाव चढ़ा हुआ भाई, सो सेवा बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उल्टा रोकना पड़ता था, भाई बहुत हो गए, सेवादार नहीं चाहिए, आप अंदर ही बैठो, और उन्हें बहाना चाहिए था बाहर निकलने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और केवल यही नहीं, दुनिया में जितने सेंटर, पूरे इंडिया में सब सेंटर्स वालों ने बहुत, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सब ने अनथक और मन से सेवा की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने पैसे का ध्यान नहीं दिया कितना लग रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बीमारी फैल रही है, बस सेवा करने का चाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहाँ कोई नहीं आता वहाँ गुरु आ जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं जब तुझे कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब अगर तुझे अरदास करनी आ जाए, सर्वन कीजिए, कितनी प्यारी पंक्तियाँ हैं। छुट क्यों बंधन परे, कचना होत उपाय, कचना होत उपाय,
प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। बल छुट गया, बल खत्म हो गया, ताकत खत्म है मेरी, मैं बंधनों में बंधा पड़ा हूँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बंधनों में, वासना के बंधनों में, मेरी ताकत नहीं मैं बच पाऊँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कछु ना हो तो भाई, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, दिखाई दे रहा, परमात्मा कृपा कर। कहो नानक अब ओट हर गज जो हो सहा। यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहो नानक अब ओट हर, तेरा ही आश्रय, ये अरदास हो रही है, तेरा ही आश्रय है, मेरे में ताकत ही नहीं कि मैं बच पाऊँ, जितनी मुश्किल से मैं घिरा हुआ हूँ, तो कृपा कर। तूने तो एक हाथी की भी सहायता की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना सबको पता है ना, मशहूर है, हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो विष्णु जी ने आके बचाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विष्णु भगवान प्रकट हुए, सुदर्शन से उसकी रक्षा की, क्योंकि हाथी ने फूल तोड़कर, डूबने वाला है मगरमच्छ, खींचते जा रहे पानी में, जब सूंड इतनी सी बार बची, पास में कमल का फूल तैर रहा था, उसने तोड़ा, परमात्मा को फरियाद की मुझे बचा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं अब अरदास हो गई, अब अरदास के बाद क्या हुआ, श्रवण कीजिए। बल हुआ बंधन टूटे, बल हुआ बंधन छूटे, सब किछ हो तू पार, नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही हो तसा। यह से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बल हुआ बंधन छूटे, अरदास होने के बाद क्या हुआ, बल आ गया, बल नहीं था, बल आ गया, पहले बंधनों में बंधा था, अब बंधन छूट गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले कहा कछ ना हो तो उपाय, अब कह रहे हैं सब कुछ हो तो उपाय, अब तो उपाय उपाय दिखाई दे रहे हैं सारे, और सारे उपाय काम कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास के बाद स्थिति ही बदल गई, सिचुएशन ही बदल गई। अरदास के पहले द्रौपदी की क्या सिचुएशन थी, अरदास के बाद क्या सिचुएशन थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे उस सभा में, सबके वस्त्र उतर गए थे, द्रौपदी के रह गए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास ये चमत्कार करती है, बस करनी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो सहाय, सब कुछ तेरे हाथ में है हे गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के पास एक आदमी आया, कहने का बहुत जरूरी काम करने, बात करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत अमीर आदमी, बड़ा धनवान, बहुत बड़ा आदमी, कहते बहुत जरूरी बात करनी है। महापुरुष को लगा के होगा कोई धन की बात करनी होगी इसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूछा भाई बता क्या बात है, ये बहुत यहाँ पे ज्ञान मिलेगा कि अरदास करनी कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे गुरु सहाय होता है, सबसे पहले सोच तो नेक हो हमारी, सोच में किसी का बुरा ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया है, जहाँ रिश्ता किया है तो कहने को कोई तकलीफ, रिश्ते में कुछ टूट रहा है। कहने लगे नहीं पूरी बात तो सुन लो, जहाँ रिश्ता किया है, लड़के वाले कहते हैं कि जो पार्टी देनी है, जो भोजन करना है शादी का, उसमें मांस और शराब दोनों रखनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांस और शराब दोनों रखनी है, उनकी शर्त है। तो कहने लगे फिर तू क्या चाहता है, कहने लगा मैं नहीं चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे इसलिए नहीं चाहता कि ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा नहीं, धन तो 100 गुना ज़्यादा खर्च करवा ले मुझसे, भगवान ने बहुत दिया है, कोई कमी नहीं धन की। मैं नहीं चाहता कि इतनी खुशी के मौके पर मेरी बेटी की शादी है और इतने जानवरों का, मासूम जानवरों का कत्ल हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष मुस्कुरा पड़े, खुश हो गए कि सोच अनेक है इसकी,
दया आ गई इसे जानवरों पर के सच है साथ संगत जी। एक तरफ हम लोगों को बुलाते हैं, कहते हैं अपनी बेस्ट विशेष दो आशीर्वाद दो बच्चों को, और दूसरी तरफ जानवर कटवा रहे होते हैं, क्या उनकी आ नहीं लगेगी? हर जी बोलिए धन गुरु नानक। कभी विचार किया करो क्या करते हैं हम रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, कैसे कैसे अपराध कर बैठते हैं। सिंहा ऊपर को गुरु अंगद देव जी ने कहा था, ये जो बकरे तू लेके जा रहा है रिश्तेदार तेरे खुश हो जाएंगे, तेरे घर में पुत्र की रस्म है, खुश हो जाएंगे तेरे रिश्तेदार, वाह वाह करेंगे तेरी, पर जब तुझे सजाएं मिलेंगी ना मरने के बाद, जमदूत जितनी छुरियां बकरों के गले में चलेंगी उतनी तेरे गले पे चलेंगी, उस वक्त इन्हीं रिश्तेदारों में से कोई भी तुझे छुड़ाने नहीं आएगा। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। इतने जीवत हिंसा करे पाप विशाल आपन सिर तर है, गुरु अंगद देव जी कह रहे हैं सिंहा उपल को। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। अब तो सुगम कहिए ऐ कहबो अंतकाल दुख तुझे ही साहेबो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो अच्छा लग रहा है तुझे, लोग वाह वाह करेंगे, पर अंतकाल में दुख तुझे सहना पड़ेगा। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। हम कहते कि हम नहीं खाते, हम तो पार्टी दे रहे हैं, नहीं लेखा तेरा होगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका धन खर्च होता है लेखा उसका होता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई नहीं बचेगा, चारों के चारों जाएंगे, ये शास्त्रों में लिखा होता है। खाने वाला बोलता है मैं तो खा रहा हूँ ना, काटा थोड़ा है मैंने, काटने वाला बोलता है कि वो खा रहा है तभी मैं काट रहा हूँ, मैं थोड़ा काट रहा हूँ ऐसे। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। बनाने वाला कहता है मैं बनाता हूँ, मैं खाता थोड़ा हूँ, वो काटे नहीं तो मैं बनाऊँगा क्यों, और खाने वाला कहता है मैं तो इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि काटा है। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। शास्त्र कहते हैं चारों में से कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। कि देखो यहाँ पर एक बात सिद्ध होती है, सबको पता काम गलत है तभी दूसरे पर डाल रहे हैं। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। सही काम होता तो आदमी कहता है मैंने किया, गलत काम है तो उसने किया उसने किया उसने किया। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा को पता है कि ये गलत है, मन को पता है, पर जवान के स्वाद के चस्के के लालच में मति मारी जाती है। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष खुश हो गए, कहने के तू क्या चाहता है? कहते मैं चाहता हूँ कि इतने जीवों की हिंसा ना हो, कोई ना मारा जाए, उनकी बद्दुआएं लगेंगी मेरे बच्चों को, सुखी कैसे रहेंगे, हम भी सुखी नहीं रह पाएंगे। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने के फिर तू जाके मीटिंग कर उनके साथ, सामने वाले परिवार के साथ मीटिंग कर, और उन्हें समझा कि तू नहीं चाहता। कहने लगा दो बार मीटिंग कर चुका हूँ। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। दो बार मीटिंग कर चुका हूँ, मीटिंग की है, समझाने की कोशिश की है, पर वो एकदम सख्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि दूसरी बार जब मीटिंग की तो झगड़े पे उतारू हो गए। कहने लगे बस ये शराब और मांस हमने अपने रिश्तेदारों को खिलाना ही खिलाना है, ये भूल जाओ, इसके बारे में बात ही मत करो, दूसरे कोई बात है तो करो, लड़के वाले हैं, मैं लड़की वाला हूँ। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक। वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, मैं आपके पास आया हूँ कोई रास्ता बताओ। फिर जी बोलिए धन गुरु नानक, मैं इस पाप से बच जाऊँ। तो महापुरुष कहने लगे जब तू मीटिंग करने गया था अकेला गया था कि गुरु को साथ में लेके गया था? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे बोला करो चाव में। अकेला गया था कि गुरु को साथ में लेके गया था? वो कहने का गुरु को कैसे साथ में लेके जाते हैं, कुछ लोग साथ में लिए थे अपने रिश्तेदार, उनसे साथ में बैठा के समझाने की कोशिश की बात, पर वो नहीं समझते। कहने लगे मतलब गुरु को नहीं लिया, चुप कर गया कि गुरु को कैसे लेते। कहते बचन मानेगा तो मैं तुझे बताऊँ। कहने का हाँ मानूंगा। कहले गुरु को साथ में ले जा इस वक्त, तीसरी मीटिंग किसी बहाने से रख ले, इस बार गुरु को साथ ले जाना। वो कहने गुरु को कैसे साथ लेते हैं, एक बहुत कीमती पॉइंट है सत्संग जी, अगर ये बात हो गई ना वो बाबा नंदसिंह जी वाले वचन है, गुरु को साथ में ले लो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई काम नहीं रुक सकता, जो होगा फिर अच्छा ही होगा, भला ही होगा, उस पर विश्वास रखना है कि गुरु ने किया है, फिर जो किया है वो सामने वाले ने नहीं किया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने की बचन मानेगा ना? कहने का हुक्म करो। कहने के रात को 3 बजे उठ जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 बजे उठ जाना। कहने का 3 बजे उठना पड़ेगा? महापुरुष कहने के हाँ उठना पड़ेगा। कहने का ठीक है उठ जाऊँगा, एक दिन उठ जाऊँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के फिर कैसे स्नान करना, केसों सने? कहने का ये भी ज़रूरी है? कहने के हाँ ज़रूरी है। कैसे स्नान करना,
और घर में गुरु साहब जी का कमरा है, कहने लगे हाँ घर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है, कहने लगे सामने बैठकर एक चौकड़ी पर समाधि लगा दो श्री सुखमनी साहब जी के पाठ करना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है बेटा गुरु को देनी, जब भी कोई काम हो गुरु को बेटा, सिर्फ धन नहीं, धन ना भी हो तो कोई बात नहीं, नाम की बेटा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 25 पाठ श्री जवली साहब जी का परिवार मिलके कर ले, कोई प्रॉब्लम आ जाए 50 पाठ कर ले, 100 पाठ कर ले, कुछ पाठ मिलके करके गुरु के आगे बेटा रखो, गुरु साथ होता है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मक्खन शाल उबाने ने सीधा अरदास नहीं की, पहले एक श्री जवजी साहब जी का पाठ किया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे मर्यादा पता थी, कई बार ऐसा इमरजेंसी होती कि तभी समय नहीं होता, तब ये जरूर कर लेते कि पाचम में काम हो जाए, ये समय निकल जाए, मैं सबसे पहले बैठ के 101 बार श्री जोजी साहब जी करूँगा मिलके, परिवार मिलके, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सुखना नहीं है क्योंकि उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कई बार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर वो करते हैं ज़रूर, शुक्राना करते हैं गुरु का, उससे थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे इससे क्या होगा, कहने लगे जब तू दो सुखमनी साहब जी का पाठ करके गुरु को अरदास करके ना पाचा मैं दो बार मीटिंग कर रहा हूँ मेरी नहीं सुन रहे, अब तू साथ में चल तू बात कर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू साथ में चल, तू उनके हृदय में बैठ, ये बात मान जाए मेरी। कहने लगे तू बाद में पहुँचेगा, तेरी बात पहले मान लेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तेरा काम गुरु नानक पहले कर लेगा, तू करके तो देख। सात संगत जी सच्ची घटना है, दूसरे ही दिन समा रखा उसने फ़ोन कर दिया, और उस दिन रात को जगा 3 बजे, उठा, स्नान किया, दो श्री सुखमनी साहब जी का पाठ किए, फ़ोन पर टाइम पहले सुबह 9-10 बजे का ले लिया था, पाठ करके गया। इस बार किसी को लेके भी नहीं गया कि गुरु साथ में है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ये घटना उसने सुना है, क्योंकि अगले दिन महापुरुष बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पर आया महापुरुषों के पास, और सारी बात वो खुद सुना रहा है। कह लेगा महापुरुषों चमत्कार हो गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह लेंगे हुआ क्या, पूरी सारी बात बताया। कहने लगे मैंने आपकी वचन मानकर फ़ोन कर दिया, टाइम ले लिया, फिर रात को मैं जागा 3 बजे, दो सुखमनी साहब जी का पाठ किया, गुरु को अरदास की, साथ में चल तू कृपा कर ये बात मनवा। कह लेंगे मैं जाके बैठा, सिर्फ चाय, बोले कि चाय पीनी है, चाय आ रही है। वो कहने लगे आप इसीलिए आए हो ना कि शराब और मांस नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैंने हाथ जोड़ दिया, हाँ जी। कहने लगे ठीक है आपकी बात मान ली, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये क्या हुआ, सोच अनेक थी, महापुरुषों ने रास्ता दिखाया, खाली बातों की अरदास नहीं की, बेटा रखी अमृत लौट के, दो सुखमनी साहब जी के पाठ किए, अरदास करके गुरु को साथ में ले गया, गुरु नानक ने जाने से पहले ही मन बदल दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही बात बाबा नंद सिंह समझाते थे, कहते थे कोर्ट में केस हो, जज फैसला करने वाला हो, गुरु नानक को साथ में ले जाओ, उसके हृदय में बैठ जाएगा वो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर जगह गुरु को साथ में ले जाओ। फिर महापुरुष कहने लगे अब बता अब क्या करेगा, कहने के बाद शादी, कहने का जो अमृत वेला एक दिन तू उठा है, तेरा इतना बड़ा काम हो गया, तू सोच अगर तू रोज नित्रिम से उठेगा कौन सा तेरा काम रुकेगा। मन को चोट कर गई बात, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने प्रॉमिस किया कि मैं पहले 4 बजे उठूंगा, फिर आस्ते आस्ते 3-2 बजे तक आ जाऊँगा, पर पहले मैं 4 बजे उठूँगा। महापुरुष कहने लगे कबूल है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काम भी कर दिया, रास्ता भी दिखा दिया, ज्ञान भी दे दिया, और अमृत वेले से जोड़ भी दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि आगे से मुश्किल समय ही नहीं आएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुम ठाकुर तुम पे अरदास। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ ना, हम कैसी कैसी अरदासें गुरु को करते रहते हैं, हम इतने चालीस से एक बात समझ रहे हैं कि सिमरन की दात मिल जाए, ठीक है सिमरन की दात मिल जाए, गुरु सिमरन की दात मिल जाए, कभी अरदास में ये मांगे, क्यों नहीं मांग सकते। सोचने वाली बात है, गुरु हमें कहते हैं कि सिमरन तुमको करना पड़ेगा, हैं जाप करो सिमरन में करना पड़ेगा, नहीं भाई, गुरु से कहो ये तुम्हारे हाथ में है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहो नानक सब तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो। तो सिंपल सी बात है, बड़ी ध्यान से समझना। वाणी कहती है मात गर्भ में आपन सिमरन दे तै तुम राखन हारे, माता के गर्भ में हमें उसने अपना सिमरन दिया, लिव जुड़ गई, तब जाके हमारी रक्षा हुई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है ना कि माता के गर्भ में जब हमें सोजी नहीं है तब उसने अपना सिमरन दिया और हमने हमारी रक्षा की, तो क्या बाहर सिमरन नहीं दे सकता वो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों
क्यों नहीं दे सकता। हम मांगे तो सही, पावो दान ढीठ होए मांगो, हर जे बोलिए दान गुरु नानक। ढीठ भिखारी जेब से कुछ ना कुछ निकाल के ले जाता, पीछे पड़ा रहेगा तंग आके आप दे दोगे। कहते थे ऐसे गुरु से मांग, हर जे बोलिए दान गुरु नानक, मांगता रहे तंग आके वो दे देगा। हर जे बोलिए दान गुरु नानक, सारे बोलिए दान गुरु नानक, दान गुरु नानक। आइए वो कविता भी पढ़ लेते हैं, अरदास दातिया, सिमरन की दात मांग ली आज, अरदास दातिया चरना विच तेरे, गुरु नानक मेहर करे। आज दशहरे का दिन है, सबको छुट्टी है, थोड़ा आनंद लेते हैं। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन जोड़कर एकाग्र चित, पीठ सीधी कर लो, ये अरदास का समय है। पाछा तरस कर मन से साथ में गाना साथ संगत, ये गाना नहीं पुकारना कि हे गुरु नानक तेरे चरणों में बैठे तूने उठाया है, बुलाया है, बिठाया है, अब मेरी अरदास कबूल कर ले। इस अरदास में एक एक बेनती बड़ी कीमती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब मिलकर गुरु के चरणों में अरदास करते हैं, बिरती का देना हो वही जन की अरदास, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेले गुण गाइए तेरे
अमृत वेले गुण गाइए तेरे, अमृत वेले गुण गाइए तेरे, अरदास दातिया जुड़ जावे चरणा विच तेरे, मन जुड़ जावे चरणा विच तेरे, मन जुड़ जावे चरणा विच तेरे, मन जुड़ जावे चरणा विच तेरे, अरदास दातिया तेरे, अरदास दातिया चरणा विच तेरे, अरदास दातिया चरणा विच तेरे, अरदास दातिया चरणा विच तेरे।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰ ਆਈਏ ਤੇਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰ ਆਈਏ ਤੇਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾ ਪਾਉ ਚੋਲੀ ਮੇਰੇ, ਪਾਉ ਚੋਲੀ ਮੇਰੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਦਾ ਪਾਉ ਚੋਲੀ ਮੇਰੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਦਾ ਪਾਉ ਚੋਲੀ ਮੇਰੇ, ਨਾਮ ਦੀਦਾ ਪਾਉ ਚੋਲੀ ਮੇਰੇ, ਚੋਲੀ ਮੇਰੇ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉ ਚੋਲੀ ਮੇਰੇ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉ ਚੋਲੀ ਮੇਰੇ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉ ਚੋਲੀ ਮੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, 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 ਦਾਤਿਆ ਦਾਤਿਆ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ